YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। इस वीडियो हम बात करेंगे मार्केट में आज गिरावट क्यों हुआ, क्या वजह थी जिसके कारण आज मार्केट में हमें गिरावट देखने मिला। देखिए सबसे मेन जो वजह है उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पर देखें तो निफ्टी में देखिए आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिला। पिछले दिन जो क्लोजिंग था वो लगभग 17,475 के पास था और आज यहाँ पर जो क्लोजिंग हुआ है 17,175 के आसपास, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गिरावट हमें देखने मिला है। कल का जो क्लोजिंग था उससे अप्रॉक्स 300 पॉइंट्स नीचे आज क्लोज हुआ है मार्केट, तो काफ़ी अच्छी खासी गिरावट है। और यहाँ पर ये जो गैप है, हो सकता है यहाँ से इस गैप को ये फिल करे और फिर नीचे गिरावट दिखाए, या हो सकता है यहीं से हम फिर नीचे चले जाए। तो कल किस तरह से मार्केट बिहेव करता उस पर डिपेंड करेगा। गिरावट के पीछे की वजह क्या था, तो देखिए आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट है। आईटी देखिए यहाँ पर आईटी इंडेक्स भी गैप के साथ काफ़ी डाउन यहाँ पर गिरावट दिखाया, तो लगभग इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। इंडेक्स में गिरावट की बात करें तो देखिए यहाँ पर इंडेक्स में कितना परसेंट का गिरावट है, तो लगभग 4.58% का आईटी इंडेक्स में गिरावट है। जबकि एफएमसीजी सेक्टर देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग था, 0.6% अप था। उसके बाद जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक सेक्टर और है जिसमें गिरावट हमें देखने में लगा, वो फाइनेंशियल सेक्टर, इसमें भी 2.2% का गिरावट था। तो और कई सारे इंडेक्स हैं जिसमें गिरावट देखने मिला, लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूशन था आज के मार्केट के गिरावट में वो था आईटी इंडेक्स। अब देखिए आईटी इंडेक्स क्यों गया, क्योंकि जो आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं उसका जो रेवेन्यू, मतलब अभी जो रिजल्ट आ रहा है उसका जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, वो मार्केट का जो एस्टिमेट था उस एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया। पहले TCS का रेवेन्यू आया था वो भी बीट नहीं कर पाया, अभी इन्फोसिस का आया ये भी बीट नहीं कर पाया। तो एस्टिमेट से जो रिजल्ट फिसल गया, नीचे आ गया, उस एस्टिमेट से नीचे फिसलने के कारण रिजल्ट में ज़्यादा गिरावट हमें देखने मिला। अगर इन्फोसिस के शेयर की बात करें तो आज काफ़ी ज़्यादा डाउन रहा। तो यहाँ देखिए इन्फोसिस शेयर में 7% का गिरावट है, मतलब क्लोजिंग हुआ इतना का, एक समय तो यहाँ पर लगभग 9% से भी ज़्यादा का गिरावट था इन्फोसिस के शेयर में। और वहीं TCS में भी गिरावट देखने मिला, TCS में भी काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट है। अगर TCS में बात करें 3.6% का गिरावट है। तो यहाँ पर जो आईटी सेक्टर के शेयर थे उसमें काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट देखने मिला, जिसका कारण क्या था कि जो मार्केट का एस्टिमेट था रिजल्ट का, जो प्रॉफिट आना था, रेवेन्यू आना था, वो मार्केट के एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया। तो इस कारण से यहाँ पर हमें गिरावट देखने मिला। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाएंगे आज मार्केट में जो मेजर फॉल था वो मेजर फॉल किस वजह से था। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस तरह के एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।